साइकिल पर हज। जी हां, महाराष्ट्र के चार नौजवान साइकिल के जरिए सफर करके हज पर जाना चाहते हैं और इसी को लेकर के महाराष्ट्र से वो दिल्ली पहुंचे और वो भी साइकिल पर। इन नौजवानों ने इस सिलसिले में कई मरकजी वुजरा से मुलाकात भी की है, जिसके बाद उम्मीद जागी है कि इन्हें साइकिल से मक्का मदीने तक का सफर करने का मौका मिल सकता है। दौलत खान, शेख तौसीफ, शेख अमजद और इरफान खान महाराष्ट्र के जिला यवतमाल से साइकिल पर दिल्ली पहुंचे, जिससे हज पर जाने की कोशिशों को आखिरी शक्ल दी जा सके। इरफान ट्रांसपोर्टर हैं, जबकि तौसीफ, अमजद और दौलत खान ट्रक ड्राइवर। चारों साइकिल के जरिए हज के मुकद्दस सफर पर जाना चाहते हैं, जिससे सफर में मेहनत हो और मुल्क के अमन अमान के लिए मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाए। हम ट्रांसपोर्ट में जब बैठे हुए थे, अखबार वगैरह पढ़ रहे थे, तो हमारा ऐसे मन हुआ कि हम हमारे देश की तरक्की के लिए, जो आज हमें ऐसा लगता है ये काफ़ी देशों से पीछे चल रहा है, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, और साथ ही साथ हम आपसी भाईचारे के लिए और हमारे देश में अमन अमान के लिए हम दुआ करना चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा कि चलो हज करने जाते हैं साइकिल से, क्योंकि उसमें दुआ जरूर खुसूसन मंजूर होती है। साइकिल पर हज करने की ख्वाहिश लेकर सफर पर चले इन चारों ने मुख्तार अब्बास नकवी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वजीर से भी मुलाकात की, जिससे साइकिल पर मक्का मदीना जाने में कोई दिक्कत ना आए। इनको उम्मीद है कि वजारत खारजा इसकी इजाज़त देगा। हमारा एक रिसर्च किया है, जैसा हमारे वहाँ से 7107 किलोमीटर पड़ता है पूरा, और हमारे रन के हिसाब से हमने टोटल लगाया है, तो समझो 150 से 200 किलोमीटर का हमारा डेली का रन रहेगा, तो 48 दिन में हम पहुंच जाएंगे, पर यहां से हम 40 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। सरकार अगर इन चारों को साइकिल से सऊदी अरब तक जाने की इजाज़त देती है, तो पाकिस्तान, ईरान जैसे ममालिक से होते हुए महीने भर से ज्यादा का वक्त इन्हें मक्का मदीना तक जाने में लगेगा। यकीनन ये सफर आसान तो नहीं है, लेकिन बात अगर अकीदत की हो, इस मामले में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट।